आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए 2022-23 सेशन के लिए सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर करिकुलम को लॉन्च कर दिया है आप सामने जो पीडीएफ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट से लिया हुआ है अभी रिसेंट में ही सीबीएसई ने इस करिकुलम को लॉन्च किया है ऑब्जेक्टिव इस कोर्स के लिए क्या है पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्ड पांच पॉइंट में मैंशन किया है कि आप ए के कॉन्सेप्ट को समझ सकें ए रेडी या हम ये कह सकते हैं कि आज मार्केट में जो ए के प्रोडक्ट आप देखते हैं या ए टेक्नोलॉजी से अगर कुछ भी चीजें आपके सामने हो रही हैं तो आप उनके बेस पॉइंट को समझने की कोशिश कर सकें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नाइन्थ और टेंथ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कोर्स सीबीएसई ने आप सबके लिए डिजाइन किया है लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो आप डेली लाइफ में ए के यूज को समझ पाएंगे आप रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या डेटा साइंस कंप्यूटर विजन ये सब टेक्नोलॉजी मिलकर के ए रेडी या ए के प्रोजेक्ट्स किस तरीके से मार्केट में डेवलप होकर के आपके सामने आ रहे होते हैं आप एक रिसर्च और डेवलप अवेयरनेस लेके आ पाएंगे अपने अंदर और आप दूसरों को भी ए के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी बता पाएंगे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है तो ऐसे मिलाकर के सत्रह लर्निंग आउटकम यहां सीबीएसई ने मेंशन किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नाइन्थ क्लास के करिकुलम के बारे में इसमें बात करते हैं फिर हम टेंथ क्लास की ओर आएंगे तो नाइन्थ में यहां पर ये यह पूरा कोर्स चार पार्ट में डिवाइड है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जिसमें आपकी पांच यूनिट है पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जिसमें आपके पास चार यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पिछले साल की तरह दस नंबर की है पचास घंटे इसमें आपकी थ्योरी पीरियड के दिए हुए हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करें तो ये आपकी चालीस मार्क्स की है यानी पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट थ्योरी आपकी फिफ्टी मार्क्स की बैठती है दस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और चालीस आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स उसके बाद पार्ट सी और पार्ट डी जिसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क प्लस प्रोजेक्ट वर्क दोनों को मिलाकर के 35 नंबर और 15 नंबर ऐसे 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर की थ्योरी तो नाइन्थ और दोनों में आपका 50 की मार्क्स की मार्क्स थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल इस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर ये आएगा नाइन्थ में डिटेल्ड करिकुलम में बात करें तो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपकी पहली यूनिट होगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर जिसकी कुछ सब यूनिट है उनके लर्निंग आउटकम और उससे रिलेटेड एक्टिविटी या प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर मेंशन है एक्साइट सेशन है रिलेट सेशन है पर्पस सेशन है पॉसिबिलिटीज है ए एथिक्स है उसके बाद में आपकी सेकेंड यूनिट ए प्रोजेक्ट साइकिल जिसमें आप प्रॉब्लम स्कोपिंग पॉइंट्स को देखेंगे डेटा एक्विजिशन डेटा एक्सप्लोरेशन मॉडलिंग स्टेज और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क जिसमें आप न्यूरल नेटवर्क के लर्निंग आउटकम यहां मेंशन किए हुए हैं और ये यूनिट थ्री यूनिट फोर फिर इंट्रोडक्शन टू पाइथन जो कि आपके प्रैक्टिकली पेपर में असेस होगी तो ये कंप्लीट आपका नाइन्थ क्लास का करिकुलम है आप बढ़ते हैं टेंथ क्लास के करिकुलम की तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास टेंथ यहां पर भी इस पूरे कोर्स को टेंथ क्लास में ए के लिए जो दो हजार में बच्चे एग्जाम में बैठेंगे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी पार्ट ए आपका टेन मार्क्स का है और पार्ट बी आपका चालीस मार्क्स का है जिसमें से यूनिट वन और यूनिट टू ये आपके थ्योरी पेपर में असेस होंगी यूनिट सिक्स और यूनिट सेवन ये आपके थ्योरी पेपर में असेस होंगी जबकि यूनिट थ्री एडवांस पाइथन यूनिट फोर डेटा साइंस यूनिट फाइव कंप्यूटर विजन तो ये जो तीन यूनिट हैं ये आपके प्रैक्टिकल पार्ट में असेस होंगी थ्योरी एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो यूनिट थ्री फोर फाइव जो कि आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट में आने वाली है इनसे आपका प्रैक्टिकल होगा पैंतीस नंबर का और पंद्रह नंबर का आपका प्रोजेक्ट और वाइवा होगा तो ऐसे मिलाकर के क्लास टेंथ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पचास नंबर की थ्योरी पचास नंबर प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट हंड्रेड मार्क्स का ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बाद डिटेल्ड करिकुलम यहां मेंशन किया है इंट्रोडक्शन टू एआई, जिसमें आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता चलेंगे ए के बेसिक्स के बारे में पता चलेगा ए का प्रोजेक्ट साइकिल आ जाएगा जो आपने नाइन्थ में भी उसका थोड़ा पोर्शन पढ़ा था टेंथ में डिटेल्ड पोर्शन पढ़ने के लिए मिलेगा एडवांस पाइथन डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन प्रैक्टिकली आपको क्या क्या करना होगा उसके पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है कुछ यहाँ पर ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल्ड जानकारी भी मिलेगी लेकिन ये ऑप्शनल होगी कि आप इसे ज्यादा डीप में पढ़ भी सकते हैं और आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं ये कह सकते हैं कि ए की एक कंप्लीट पैकेज क्लास के अंदर यहां पर डाला हुआ है उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट सिक्स एन एल पी नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका इंट्रोडक्शन आपको समझने के लिए मिलेगा और इवेलुएशन स्टेज जो आपकी ए के प्रोजेक्ट साइकिल की लास्ट स्टेज है इवेलुएशन उसके बारे में यहां डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी हुई है स्पेशली मेन्शन है यूनिट थ्री फोर फाइव शुड बी असिस्ड थ्रो प्रैक्टिकल्स ओनली एंड शुडेंट बी असिस्ड विद द थ्योरी एग्जाम तो ये थ्योरी एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगी जबकि जो ऑप्शनल कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन आपको उसके बारे में यह इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ये आपका नाइन्थ और टेंथ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का पूरा करिकुलम है अगर आपको इसमें लगता है कहीं भी कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए हम वहां पर आपको इसका जरूर जवाब देंगे और कोई भी नई अपडेट आती है तो उसको भी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे